आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने केस बताया फॉर स्मॉल डी वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल। अगर स्मॉल डी स्मॉल एल से बहुत बहुत बड़ा हो जाए उस कहानी में क्या होती है। उस कहानी में एक चीज आपको मैं रिलेशन बता देना चाहता हूँ। उस कहानी में मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट इज टू टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सियल पॉइंट। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सियल पॉइंट है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, इस जगह पर, इस जगह पे किसी भी पॉइंट डी पर, यहां से सेंटर अगर मैं डिस्टेंस यहां डी ले लूं और इतना ही डिस्टेंस मैं यहां से यहां ले लूं, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे, तो क्या रिलेशन आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट इज टू टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सियल पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सियल पॉइंट मींस इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन है। ये लाइन कैसा है भाई, तो ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस, जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है पी पॉइंट पर। यहाँ पे पी डैश मान लेते हैं, यहाँ अगर पी मान लेंगे तो यहाँ क्या मान लेते हैं, पी डैश मान लेते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज टू टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट पी डैश पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझेंगे जानेंगे, तो जानना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो सवाल यह था कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पे किसी डी डिस्टेंस पर है, जो मैंने लिखा बी मैक्स, बी मैक्स की वैल्यू इतनी है। ये सब सवाल कब होते हैं, पहला चीज, ये सब चीजें कब होता है, कब हम रिलेट करते हैं, उसके लिए कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, फॉर डी वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल, ये कंडीशन है। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए फॉर डी वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल, उस कहानी में क्या होगी, उस कहानी में ये आप लिख सकते हो बी मैक्स इज टू टाइम्स द बी मिनिमम, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे बी मिनिमम की वैल्यू आती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, दिस इज मिनिमम वैल्यू। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ये आर स्क्वायर आना चाहिए या आर क्यूब आनी चाहिए, ये आर क्यूब आनी चाहिए, है ना, ये क्या आनी चाहिए, ये आर क्यूब की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये मिनिमम वैल्यू है, कब है, जब थीटा इज 90 डिग्री, थीटा कितना 90 डिग्री। अब देखिए ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन पे ही होती है, मिनिमम वैल्यू डी डिस्टेंस पे सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पे ही होती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एक्सेल पॉइंट पे डी डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे लिखा है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 बाई 2m/r³, 2m/r³। इस तरह से हम लिखते हैं एक्सेल पॉइंट पे बी मैक्स, बी मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इन ऑन पोजीशन और 10a पोजीशन। इसको हम बोलते हैं इन ऑन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं भाई, इन ऑन पोजीशन, या नहीं तो टेन ऑन पोजीशन या एक्सियल पॉइंट पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमने कहा लिखा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लिखा हमने, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिखा, और इसको हम टेन भी पोजीशन कह सकते हैं या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं। इन दोनों में यही रिलेशन है जो हमने रिलेशन को बताया, बसरते कहानी याद होना चाहिए कि वेरी वेरी डी मस्ट बी वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल, तो ही हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो हमने कहानी लिखा है फॉर डी वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल और स्मॉल एल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्मॉल डी, तभी हम इस तरह से लिख सकते हैं, अन्यथा ये लिखना गलत है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हो। तो पहले आपको कंडीशन दे देगा, फॉर डी वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल और स्मॉल एल इज वेरी वेरी लार्जर देन डी या टू एल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन डी। तो इस कहानी में आपको बता देगा कि अगर एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला हो, अगर एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कितनी होगी, तो वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 है तो 5/2, 2.5 आधा हो जाएगा सीधा। अगर ये 10 है तो ये कितना परपेंडिकुलर कितना होगा, 5 हो जाएगा। अगर मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दे दे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 20 टेस्ला दे दे, तो पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस पे कितना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्लीन नीट एंड क्लीन बता रहा हूँ,
मान लो जो रिलेशन हमारा आता है एक्सिस पे कितना आ रहा है 2 टाइम्स एट द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, और परपेंडिकुलर पे 20 टेस्ला दे दिया तो एक्सेल पे कितना होगा 40 टेस्ला होगा, 40 टेस्ला दुगुना हो जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये 40 टाइम्स हो जाता है। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं हम लोग। तो कहानी क्लियर कट होनी चाहिए, कंडीशन डाल दिया हमने डी इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉलर। लेकिन इसके बाद चलते हैं जनरल किसी पॉइंट के लिए, जनरल किसी रिलेशन के बीच में जो डी एन स्मॉल जनरल रिलेशन जो है, जनरल रिलेशन क्लियर कट आपके सामने दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे कितना है 0.4π2md²-l² और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्सिस पे है 0.4πm/d²+l²3/2। दोनों में देखिए कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, दोनों में दोनों को हम रिलेट नहीं कर सकते, दोनों को हम रिलेट नहीं कर सकते। अगर रिलेट करना भी होगा तो डिवाइड करनी होगी, ये कहानी अलग है, लेकिन हमने उसको रिलेट करके दिखा दिया। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा, जनरल के लिए, जनरल चीजों के लिए आप समझ सकते हो कि बी एक्सिस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हो बी एक्सिस डिवाइडेड बाई बी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस पे डिवाइड करने के लिए तो 0.4π m ऐसे ही उड़ जा रहा है। तो कहानी में क्या आ रहा है 2 by d² - l² / 2 डिवाइडेड बाय m तो कैंसिल हो जा रहा है, ये क्या होगा ऊपर आ जा रहा है d² + l² और ये लिखेंगे 3/2। इस तरह से हम लोग ये रिलेशन आएगा, ये रेशियो आएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स तो आएगा ही, 2 टाइम्स तो जनरल है, बट इस रिलेशन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस रिलेशन को समझ लीजिए और याद कर लीजिए तो कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन हर जगह हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं व्हेन डी इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल और 2l। ठीक है, ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंगली मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इंटरेस्टिंगली आप समझोगे और घर बैठे बैठे समझ में हर चीज कहानी आएगी। और मैं ये समझता हूँ आपको अच्छे अच्छे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि बुक पढ़ो, बुक पढ़ना चाहिए, नो डाउट, बुक रीडिंग इज अ गुड हैबिट, बट यू मस्ट वॉच माई वीडियो टू गेट द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अच्छा से समझ में आ जाए कोई टॉपिक तो इससे बड़ी फायदे वाली बात कुछ है ही नहीं। ओके?